नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ पिंकेश टकरानी, प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट और आपका अपना फाइनेंशियल एनालिस्ट। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीसी के शेयर के बारे में, बिकॉज अभी बजट के बाद में ये शेयर 9 से 10% गिरा और 207 रुपये पर पहुँच गया। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 215 रुपये पर आ गया है। ऐसे में कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने लग गए कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसकी फाइनेंशियल्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, डाइवर्सिफिकेशन कैसा है, इसका वैल्यूएशन कैसा है, क्या इसको होल्ड करना चाहिए, नया निवेश करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर कैसा है। तो दोस्तों आज इन सभी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं अपना एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि आपको आपकी स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में मदद मिले। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईटीसी कौन कौन से बिजनेस के अंदर में फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इनका पोर्टफोलियो है 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 सेगमेंट आप देखेंगे एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और वहां पर आप पाएंगे सिगरेट्स जो है, यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा जो है बिजनेस सिगरेट्स का है, टोबैको प्रोडक्ट्स का है। और आप देख सकते हैं कि बाकी इसमें एफएमसीजी में फूड बेचते हैं, देन इसके अलावा पर्सनल केयर है, लाइफस्टाइल रिटेलिंग है, देन उसके बाद में आप देखेंगे एजुकेशन स्टेशनरी है, सेफ्टी मैचेस है या फिर अगरबत्ती का इनका काम है। और दोस्तों आप देखेंगे इसके अलावा इनके बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस है। आईटीसी की होटल्स आपने देखी होगी कई जगह पर है, देन उसके बाद में पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, इसके अलावा एग्री बिजनेस, इन्फोटेक। इन्फोटेक बिजनेस इनका बहुत ही छोटा है। आप अगर देखेंगे इनका टोटल रेवेन्यू का 40% सिर्फ सिगरेट्स में से आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके एफएमसीजी के भी 2 सेगमेंट्स हैं, एक है एफएमसीजी सिगरेट्स और एक है एफएमसीजी अदर्स। तो आपने आशीर्वाद आटा का नाम सुना होगा या फिर सनफीस्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा, या फिर आप इंडिया में रहते हैं तो कभी ना कभी आपने आईटीसी का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो जरूर यूज़ किया ही होगा। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इनके साल बर साल जो है सेल्स कैसे रहे हैं। तो ये रहे फिगर्स आपके सामने। तो मार्च 2015 में देखेंगे इनका 49,000 करोड़ का सेल रहा है, जो आप देखें लगातार जो है बढ़ता रहा। अगर 2016 में आप देखेंगे तो ये पाएंगे 51,000 करोड़ का, और 2017 में आप देखेंगे तो ये आएगा 55,000 करोड़ रुपए का। लेकिन उसके बाद में डिप देखिए दोस्तों, आप पाएंगे मार्च 2018 के अंदर में ये 43,956 करोड़ का है, और वहां से थोड़ा सा इंप्रूव होकर मार्च 2019 के अंदर में 45,000 करोड़ रुपीज का आ गया है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट कैसा है। जैसा कि हमने सेल्स के अंदर में देखा कि इनकी सेल्स 15, 16, 17 के अंदर में जो है इंप्रूव हो रही थी, लेकिन उसके बाद में यहां पर गिरावट आई है 18 और 19 के अंदर में। 19 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। अगर आप इनकी टोटल प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो इनके प्रॉफिट जो है 2015 के अंदर में 9,600 करोड़ के है, जो कि बढ़ गए थे 2018 के अंदर में। आप देखेंगे ये लगभग 11,223 करोड़ रुपए, और अगर आप 2019 की बात करेंगे तो 12,464 करोड़ पे आ गया है। तो जहां की सेल्स जो है 2-3 साल बढ़ी फिर नीचे आ गई, लेकिन की प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों हम लोग इनके क्वार्टरली जो है सेल्स फिगर्स पे ध्यान देते हैं जरा। तो इनके क्वार्टरली सेल्स फिगर आप देखेंगे तो वैसा ही ट्रेंड आपको ऑब्वियसली नजर आएगा। आप देखेंगे इसके अंदर में उतार चढ़ाव रहा है। सितंबर 2019 में आप देखेंगे तो ये सेल्स रहा 11,750 करोड़ रुपए, जो बढ़ के 12,000 हो गए। तो 12,000 करोड़ का क्वार्टरली सेल्स पहली बार इनके पास में आया है। और आप लगातार 3 क्वार्टर देखेंगे, जून 2019, सितंबर 2019 और दिसंबर 2019, तो आप पाएंगे यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से इनके प्रॉफिट्स वगैरह कैसे रहे हैं। तो आप यहाँ पे पाएंगे दिसंबर 2018 में इनका प्रॉफिट रहा है 3200 करोड़ रुपए का, जो 3400 करोड़ रुपए होगा, लेकिन जून 2019 के अंदर में वापस ये 31 करोड़ रुपए पर आ गया। तो यहाँ पे पूरा स्लो डाउन का असर देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे सेप्टेम्बर 2019 में तो इनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जम कर गया है, लगभग 20% Q-on-Q बेसिस पे जम किया, पहुँच गया 4000 करोड़ रुपए। और सेम चीज़ आपको दिसंबर 2019 में भी दिख रही है, इनका प्रॉफिट 4141 करोड़ रुपए पर आ गया है। दोस्तों यहां पर स्लो डाउन था, उसके बावजूद भी जो है इनका प्रॉफिट क्यों बढ़ा, तो इसके पीछे था कॉर्पोरेट टैक्स कट्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स कट्स का जो फायदा है ये पूरा इस कंपनी को मिला है। तो आगे चल के भी अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट होता है, वैसे होने तो नहीं वाला है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली फायदा देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट जो है 4141 करोड़ रुपए पर आ गया है। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2-3% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली।
एनुअली है। तो दोस्तों ये आपको बताएगा और अच्छी तरह से एनालिसिस आपको इसके अंदर मिलेगा कि क्वार्टर बेसिस पे इनका किस तरह का परफॉर्मेंस आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे हम, वाई ऑन वाई भी देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा फिगर आपके सामने। तो आप सेल देखेंगे 2.24% से जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बड़ी है, वाई ऑन वाई बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 8% की सेल्स बढ़ी है। तो सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, स्लो डाउन का यहाँ पे इफेक्ट दिख रहा है। आप अगर इनका इबिट्टा देखेंगे तो इबिट्टा भी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 7% और वाई ऑन वाई बेसिस पे 8% का बढ़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है इबिट्टा नहीं बढ़ा है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यस, वाई ऑन वाई बेसिस पे नेट प्रॉफिट जो है लगभग 30% बढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट टैक्स कट का यहाँ पे बेनिफिट मिला है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बेसिस पे आप देखते हैं तो 3% का यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा। इनका जो ईपीएस है अभी बैठता है 3.36 पर। अब दोस्तों इनके रेशोज़ की हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के रेशोज़ है। यहाँ कंपनी बहुत ही इंप्रेसिव काम कर रही है। अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी पर तो आप यहाँ पर पाएंगे कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, जो काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन असेट भी आप इनका 27% पर पाएंगे। और दोस्तों इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो 20% है। फिक्स असेट टर्नओवर भी इनका ओके लगता है मुझे। अगर इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है 35% है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इनके जो डिफरेंट सेगमेंट्स है उसमें से कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। सिगरेट सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और सिगरेट पर मार लगी है तो इसका मतलब प्रॉफिट पर मार लगी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है सिगरेट्स में से आता है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका काफ़ी अच्छा है, 38%। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 26% है। इस हिसाब से तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ इनका बहुत सारा प्रॉफिट सिर्फ सिगरेट से आता है और इनका जो बाकी 60% रेवेन्यू अर्जित करने वाला जो बिजनेस है वहाँ से उनका इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता है। बाकी पैरामीटर्स के अंदर में ये जीरो डेट कंपनी है, बहुत ही कम डेट है इन लोगों की, 7-8 करोड़ रुपए की इनकी डेट है। तो मामूली सी डेट इनके पास में है तो हम कह सकते हैं कि एक जीरो डेट कंपनी है। दोस्तों अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप पाएंगे इसके अंदर में कि प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं है। तो ये पूरी तरह से प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन है और आम जनता की लगभग 10% की हिस्सेदारी आपको यहाँ पे दिखेगी, बाकी सभी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास में है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर्स जो है कंपनी को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली प्रमोटर्स के शेयर्स का प्लेजिंग वाला इशू यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों इनके लेटेस्ट क्वार्टर और पिछले क्वार्टर को इसके सेगमेंट वाइज जो है और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी जो है किस सेक्टर के अंदर में ग्रो कर रही है, क्यू ऑन क्यू बेसिस और वाई ऑन वाई बेसिस के अंदर में, और कौन सा सेक्टर जो है इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्जित करके दे रहा है। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिगरेट्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं कैसा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सिगरेट्स अगर आप Q3 FY20 के अंदर में आप देखेंगे तो 5311 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू मिला है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है थोड़ा सा मामूली सा जो है कम हुआ है। लेकिन आप वाई ऑन वाई बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पे 5% का ग्रोथ आपको मिला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लिमिटेड ग्रोथ है। अगर आप सिगरेट्स के अलावा दूसरी FMCG को देखते हैं तो वहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर भी वाई ऑन वाई बेसिस पे 3.5% का ही ग्रोथ मिला है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो मार्जिनल सा ही ग्रोथ मिला है। तो यानी कि ये दोनों सेगमेंट जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं लेकर आ पाए। दोस्तों अगर आप होटल्स में देखेंगे तो यहां पर आपको थोड़ा इंप्रेसिवनेस दिखेगा, वाई ऑन वाई बेसिस पे 22% का रेवेन्यू ग्रोथ यहां पे दिख रहा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग 30% का ग्रोथ यहां पर दिख रहा है। तो ये सेगमेंट उनका अच्छा काम कर रहा है और ये हाईलाइटिंग चीज भी हो जाएगी जब हम प्रॉफिट्स पे आएंगे। वहीं एग्री बिजनेस के अंदर में आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 21% जो है रेवेन्यू डाउन हुआ है, बिकॉज बारिश देर से आई थी तो इसकी वजह से फसलें हैं उनका देर से उत्पादन हुआ तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। हालांकि वाई ऑन वाई बेसिस पे लगभग 9% का रेवेन्यू ग्रोथ वहाँ पे दिख रहा है, पेपर बोर्ड जो है वो कुछ खास इंप्रेसिव ग्रोथ यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो सेगमेंट्स हैं इनके प्रॉफिट्स में किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे कैसा ग्रोथ आ रहा है। तो आप सिगरेट्स में देख पाएंगे तो यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पे 5.6% का ग्रोथ आपको मिल रहा है, लेकिन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.6% का इसमें जो है फॉल आ गया है। दोस्तों वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका टोटल रेवेन्यू सिगरेट से आता है 5300 करोड़ रुपीज़ का, वहीं सिगरेट से आने वाला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3700 करोड़ का है। दोस्तों यहाँ पर 4141 करोड़ का जो प्रॉफिट है उसमें से 3700 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ सिगरेट्स में से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो सिगरेट्स में से जो है लोग कमाते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा FMCG है वहाँ पर आप देखेंगे 3300 करोड़ का सेल्स है, उसमें से सिर्फ 108 करोड़ रुपये का प्रॉफिट इन्होंने अर्जित
शिफ्ट किया है तो बहुत कम मार्जिन पे लोग FMCG अदर देन सिगरेट्स पर काम कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुई है, वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 41% जो है प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुई है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 20% इंक्रीज हुई है। दोस्तों होटल सेगमेंट जो है प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में अच्छा कर रहा है, तो देखते दोस्तों होटल बिजनेस के अंदर में आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 401% का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है और वाई ऑन वाई बेसिस पे 45% का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि होटल एक बार बना लेनी पड़ती है, उसके बाद में जो है जो आया वो पैसा अंदर टाइप की चीज़ हो जाती है, बस आपको जो है थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है। दोस्तों एग्री बिजनेस के अंदर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस दिख रहा है बिकॉज सीजनल प्रॉब्लम है। पेपर बोर्ड पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा लॉस नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो बड़ा नहीं है, रादर वो प्रॉफिट कम हुआ है। तो आप पेपर बोर्ड में भी देखेंगे सेम चीज़ दिख रही है, वाई ऑन वाई से थोड़ा बहुत जो है कम्फर्ट है। लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो उनका सिगरेट्स वाला है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, जो अदर देन सिगरेट्स हैं वहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम है लेकिन इम्प्रूव हो रही है। और दोस्तों आप एक और चीज़ पाएंगे कि होटल्स में इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है और इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो ये यहाँ से इसका सारांश निकलता है। अब दोस्तों आप इससे ये समझ सकते हैं कि जिस कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का पोर्शन 4141 करोड़ में से लगभग 3200 करोड़ रुपए जो है वो सिगरेट से आता है, और सिगरेट पे अगर किसी तरह का एक्साइज ड्यूटी हाइक कर दिया गया तो उसकी वजह से सेल्स पे असर पड़ेगा, तो इसकी प्रॉफिट पे जो है डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। तो एक बार हम लोग वो न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ के अंदर में क्या था, बजट के अंदर में अनाउंसमेंट क्या हुआ था, ये रहा आपकी स्क्रीन के अंदर। तो दोस्तों ये न्यूज़ जो आप देख रहे हैं उसके अंदर में लिखा हुआ है कि NCCD का मतलब होता है नेचुरल कैलामिटी कंटीजेंट ड्यूटी, ये इंक्रीज़ की जाएगी 212% से लेकर 388% के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द स्टिक साइज ऑफ द सिगरेट्स। तो इसकी वजह से जो सिगरेट्स का प्राइस रहेगा वो 6-7% जो है बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो है क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो उससे जो है सेल्स डाउन हो जाती है, तो ऐसे केस के अंदर में जो है यहाँ पर कंपनी के शेयर प्राइस पर इफेक्ट पड़ा है। दोस्तों हालांकि मैं आपको बता दूं जो इंसान सिगरेट पीता है वो सिगरेट इतनी जल्दी से छोड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के अंदर में दो तरह की सिगरेट चलती है, एक चलता है लीगल सिगरेट, एक चलता है इल्लीगल सिगरेट। इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था वो बताता है कि धीरे धीरे जो है लीगल सिगरेट्स का जो ग्रोथ है वो कम होते जा रहा है, हर साल जो है वो 5-6% जो है कम होते जा रहा है, और इल्लीगल सिगरेट्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ते जा रहा है सेल्स का। तो ऐसे केस में अगर लीगल सिगरेट्स का रेट बढ़ता है तो कुछ लोग जो है स्विच कर जाएंगे, वो इल्लीगल सिगरेट्स पीना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से जो है मार्केट ने इसको थोड़ा सा पनिश किया है। हालांकि दोस्तों मेरा इस पर व्यू ऐसा है कि ये जो 6-7% का ग्रो होगा इनका सिगरेट्स, लेकिन एक दूसरी जगह पर कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया था तो उसका बेनिफिट भी इनको मिल रहा है, तो यहाँ पर एक सेटअप हो गया है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि डरने वाली कोई चीज़ है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिगरेट्स बिजनेस। भले ही प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर आते हैं, लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कट भी यहाँ पर हुआ था तो इनके प्रॉफिट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि इनका बहुत सारा प्रॉफिट जो है सिर्फ सिगरेट बिजनेस से आता है, बाकी बिजनेस से नहीं आता है। दोस्तों अब बात करते हैं इनके थोड़े शेयर प्राइस के बारे में, क्योंकि दो दिन के बाद में 207 रुपये पहुँच गया था, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 215 रुपये का है, तो 207 रुपये का इनका लेवल कब आया था ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 2016 के अंदर में इनका जो शेयर है वो 207 रुपये पर आया था, 191 रुपीस का इनका शेयर का प्राइस आया था फरवरी 2016 के अंदर में। और आप एक और जो है देख सकते हैं यहाँ पर कि इनका जो है 198 रुपीस का प्राइस 2015 में आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास में है, तो यहाँ से जो है इसके नीचे जाने की संभावना कम हो जाती है। तो अराउंड 200-205 जो है इसका सपोर्ट लेवल है, और यहीं से जो है मार्केट ने इसको जो है वापस से खरीदना शुरू कर दिया, और आज आप देख सकते हैं 215 रुपये तक ये शेयर पहुँच गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके पीयर्स के साथ में इसके शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो ये पीयर्स आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे गोडफ्राई फिलिप्स है यहाँ पर, VST इंडस्ट्रीज है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ITC पिछले 5 साल में अगर हम वो 10% का फॉल देखते हैं तो यहाँ पे 15% जो है गिरा है दोस्तों, यानी कि आप देखेंगे 5 साल में जो है कुछ खास इसने कमा के नहीं दिया, उल्टा जो है यहाँ पे वेल्थ जो है कम हुआ है। अगर आप देखेंगे गोडफ्राई फिलिप्स के अंदर में तो वहाँ पे 90% का ग्रोथ दिया हुआ है, VST
इंडस्ट्रीज ने 125% का ग्रोथ दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले एक साल के हिसाब से तो आईटीसी 26% डाउन है, लेकिन जो उसके काउंटर पार्ट्स है यानी कि गॉडफ्राई फिलिप्स जो है वो 20% बढ़ा है और जो वीएसटी इंडस्ट्रीज है वो 30% बढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आईटीसी एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है अपने पीयर्स के सामने, इतने बड़े मार्केट वैल्यूएशन के होने के बावजूद भी, डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आईटीसी ने कुछ खास नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। हालांकि बीच में अप और डाउन्स होते रहे, वहां पर काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने कमाया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए जो है इतना अच्छा ये शेयर साबित नहीं हुआ है। 5 साल के अंदर में 12-15% जो है ये शेयर डाउन हुआ है दोस्तों, और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है सिगरेट्स के अंदर में। लेकिन दोस्तों अदर देन सिगरेट्स का जो एफएमसी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो है नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके थोड़े वैल्यूएशन फ्रंट पे, तो आप देख सकते इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रहा है 2,64,000 करोड़ रुपये का, और जो इंडस्ट्री पीई है वो आपको दिख रहा है 20 का, और दोस्तों इसका पीई आपको दिख रहा है लगभग 17 का। तो इस हिसाब से ये कंपनी सस्ती दिखती है। अगर मैं थोड़ा और इसके पीयर्स की बात करता हूं तो ये फिगर्स आपके लिए शायद काम के रहेंगे। तो कोलगेट में आप देखेंगे तो उनका पी दिखता है 41 का, एचयूएल का आप देखते हैं 54, आप देखते हैं डाबर का 48, मैरिको का 33, गोदरेज कंज्यूमर का आप देखते हैं 39, और इसके अलावा ब्रिटानिया का आप देखते हैं 55। तो उस हिसाब से दोस्तों ये आईटीसी जो है काफी सस्ता दिखता है। लेकिन दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि उनका अदर देन सिगरेट्स का जो एफएमसी सेक्टर है वो जब तक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तब तक आप इन कंपनीज के साथ में उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज कि वो दूसरी कंपनियां जो है सिगरेट्स का काम नहीं करती है। सो दोस्तों व्हाट इज माय टेक, मेरा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर में, तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि इनका बहुत बड़ा जो है बिजनेस अभी भी प्रॉफिट और बिजनेस जो है दोनों सिगरेट्स के ऊपर में डिपेंडेंट है, और बाकी सभी सेक्टर्स में ये लोग पहुंच तो गए हैं और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उनको मार्जिन बढ़ाने की जरूरत है या फिर अपने टर्नओवर को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये बाकी अपने बिजनेस को किस तरह से इंप्रूव करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कट का जो है इनको जो बेनिफिट मिला है ये काफी अच्छा साइन दिखता है। बजट में जो एक्साइज ड्यूटी हाइट हुई सिगरेट से उसमें थोड़ा सा जो है इनकी सेल डाउन हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये रिकवर हो जाएगी मुझे ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस में कंपनी बहुत ही चीप मिल रही है, इसको जो है वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए मार्केट के अंदर में, और इसमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जो है अच्छा खासा जो है मिलता है मौका यहाँ पर शेयर में पैसे डालने का। लेकिन दोस्तों अगले इसके क्वार्टर के 2-3 जो है रिजल्ट्स देखने के बाद में समझ में आएगा कि कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। मुझे इसका फाउंडेशन स्ट्रांग दिखता है, जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह के बिजनेस डिसीजन इन्होंने लिए है ये साउंड दिखते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस तरह के और वीडियोस में लाता रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।